दोस्तों आप सभी का स्वागत है पहले देखो पहले सीखो यूट्यूब चैनल के एक और नए वीडियो में। दोस्तों आज हम बात करेंगे सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में। दोस्तों अगर आपकी बेटी है तो दोस्तों आपके लिए वीडियो बहुत ही यूजफुल होने वाला है, क्योंकि सरकार द्वारा सभी बेटियों को मिलने वाले हैं 50 लाख रुपये बिल्कुल फ्री। जी हाँ दोस्तों, सुकन्या समृद्धि योजना के नियमों में कुछ बदलाव किया गया है। दोस्तों अगर आप सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में नहीं जानते तो आप इस वीडियो में शुरू से लेकर आखिर तक बने रहिए, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सुकन्या समृद्धि योजना के तहत किस तरीके से सरकार जो है सभी लड़कियों को 50 लाख रुपए तक आर्थिक सहायता के रूप में प्रोवाइड कराती है। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं पत्रिका की ऑफिसर रिपोर्ट के माध्यम से बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। तो दोस्तों आप यहां पे देख सकते हैं सुकन्या समृद्धि योजना के नियमों में हुआ बड़ा बदलाव। जाने कितना निवेश करने पर मिलेंगे 50 लाख रुपए। तो दोस्तों सुकन्या समृद्धि योजना के नियम जो है उनमें कुछ बदलाव किया गया है। तो दोस्तों हम आपको बता दें, 10 साल से कम उम्र की बेटी के माता पिता इस योजना में निवेश कर सकते हैं। सुकन्या समृद्धि स्कीम में निवेश कर आप टैक्स में भी छूट पा सकते हैं, लेकिन इस योजना के कुछ नियमों में बड़ा बदलाव हुआ है, जिसके बारे में आज इस वीडियो में हम आपको अवगत कराएंगे। तो दोस्तों आपको बता दें, हर इंसान को अपने बच्चों के भविष्य की चिंता होती है और उसे सुरक्षित करने के लिए लोग बहुत पहले से योजना बनाने लग जाते हैं। खास तौर पर अगर बात बेटियों की हो तो उनके पैदा होने के साथ ही लोगों को उनकी शादी की चिंता होने लगती है। ऐसे में गवर्नमेंट द्वारा एक बहुत ही अच्छी योजना की शुरुआत की गई है, जिसका नाम है सुकन्या समृद्धि योजना। इस सुकन्या समृद्धि योजना के तहत बेटियों के भविष्य को सुरक्षित करने वाली ऐसी ही योजना है, जो माननीय श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा बेटियों के उज्ज्वल भविष्य के लिए शुरुआत की गई है। अपनी लॉन्चिंग के बाद से ही ये योजना बेहद पॉपुलर रही है। 10 साल से कम उम्र की बेटियों के माता पिता जो है इस योजना में निवेश कर सकते हैं। सुकन्या समृद्धि योजना में निवेश कर आप इनकम टैक्स में भी छूट पा सकते हैं। इस योजना की पॉपुलैरिटी का सबसे बड़ा कारण इसका निवेश अमाउंट है। सुकन्या समृद्धि योजना में आप 250 रुपए से लेके 1.5 लाख रुपए तक निवेश कर सकते हैं। इस योजना के तहत अगर आप 15 साल तक 1.5 लाख रुपए सालाना जमा करते हैं तो आपकी बेटी के खाते में जमा रकम जो है 8.7% के हिसाब से मिले ब्याज को मिलाकर कुल 45 से 50 लाख रुपए लगभग जमा हो जाएंगे। इस तरीके से आप 45 से 50 लाख रुपए अगर जमा कराएंगे, दोस्तों ये मैं 1.5 लाख रुपए सालाना जमा के हिसाब से बता रहा हूँ 15 साल में। अगर आप 250 रुपए से लगाए तो आप इससे कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन अब इस योजना के लिए बड़ी खबर आ रही है कि इस योजना के नियमों में कुछ बदलाव हुआ है, तो उन बदलावों के बारे में हम आपको बता दें। तो इसके फायदे क्या क्या है सुकन्या समृद्धि योजना के, तो दोस्तों सबसे बड़ा फायदा है ऊँची ब्याज दर इसके अंतर्गत मिलती है। इसके साथ ही पैसा सरकार के पास बिल्कुल सेफ सुरक्षित रहता है और लंबी अवधि के लिए ये बचत खाता के रूप में बहुत ही अच्छी योजना है। इसके साथ ही टैक्स में भी बचत इस योजना में होती है, वक्त के पहले आप इसमें रुपए जो है निकाल सकते हैं। ये इस स्कीम की कुछ खास बातें हैं। तो अब क्या क्या नियमों में बदलाव हुआ है उसके बारे में हम आपको बता दें। तो दोस्तों नए नियमों के मुताबिक अगर आप चाहे तो मैच्योर होने से पहले ही इस खाते को बंद कर सकते हैं, यानी कि जब आप चाहे इस खाते को बंद करके इसकी पूरी रकम आप निकाल सकते हैं। बच्ची के निधन या अकाउंट होल्डर के किसी खतरनाक बीमारी से ग्रस्त होने या बच्ची के माता पिता की मौत होने की सूरत में सहानुभूति के आधार पर अकाउंट बंद किया जा सकता है। जिस बच्ची के नाम पर अकाउंट है वो अपना अकाउंट सिर्फ 18 साल की होने पर ही ऑपरेट कर सकती है। इसके लिए भी अभिभावक को उसके कागजात जमा करने होंगे। इसके अलावा एक घर में 2 सुकन्या समृद्धि योजना के अकाउंट खोले जा सकते हैं, यानी अगर आपकी 2 बेटियां हैं तो आप दोनों के नाम से ये स्कीम ले सकते हैं। अगर 2 से अधिक है तो आप इस स्कीम का लाभ नहीं ले सकते। अगर आप किसी साल 250 रुपये की रकम भी जमा नहीं करते हैं तो आपका अकाउंट डिफ़ॉल्ट माना जाएगा। डिफ़ॉल्ट
और उस पर मिलने वाला ब्याज वही मिलेगा जो इस स्कीम के लिए तय होगा। पहले ये ब्याज पोस्ट ऑफिस के इंटरेस्ट रेट के बराबर होता था। यहाँ ध्यान रखने योग्य बात यह है कि सुकन्या समृद्धि योजना की ब्याज दर जो है पोस्ट ऑफिस रेट से दुगनी होती है। इसके अलावा दोस्तों हम वीडियो में आगे बढ़े आपको बताएं, इससे पहले आप सभी से एक छोटा सा आग्रह करूंगा, अगर आप चैनल पे नए हैं पहली बार आए हैं तो दोस्तों, अगर आप नए हैं हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मैं आपको बता दूं, इसी तरीके से आने वाली गवर्नमेंट की तमाम सरकारी योजनाओं की अपडेट अगर आप सबसे पहले हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से जानना चाहते हैं तो आपको इस वीडियो के नीचे इस तरीके से एक रेड सब्सक्राइब लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा, इसके ऊपर क्लिक करके सिंपली आपको उस रेड सब्सक्राइब को ब्लैक सब्सक्राइब में बदलना है। इसके साथ ही आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए एक पास में घंटे का निशान दिखाई दे रहा होगा, उसके ऊपर क्लिक करके आपको ऑन नोटिफिकेशन को ऑन भी कर लेना है। और दोस्तों जानकारी पसंद आ रही है, वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो के नीचे थंबनेल के बटन को दबा के वीडियो को लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना बिल्कुल ना भूलें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये जानकारी पहुँचे। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो दोस्तों अगर आप 15 साल तक लगातार इस अकाउंट में 1.5 लाख रुपए निवेश करते हैं तो आपकी बच्ची के 21 साल कंप्लीट होने पर 8.7% की ब्याज रेट मिलने पर ये मैच्योरिटी अमाउंट जो है 73 लाख रुपए आपका हो जाएगा। 40-45 लाख रुपए आप जमा कराएंगे और 15-21 साल के अंतर्गत आपका जो ये अमाउंट है 40-45 लाख रुपए का 73 लाख रुपए हो जाएगा। इसके लिए आपको कम से कम बच्ची के 3 साल के होने पर ही आपको ये कार्य जो है शुरू कर देना है, यानी कि इसमें राशि जो है आपको निवेश करना शुरू कर देना है। 10 साल तक की बच्ची का आप ये सुकन्या समृद्धि योजना में अकाउंट ओपन करवा सकते हैं, इससे अधिक आयु की लड़कियों के लिए इस स्कीम में आप अकाउंट नहीं खुलवा सकते। ये अकाउंट आप अपने नज़दीकी बैंक या पोस्ट ऑफिस में किसी भी जगह खुलवा सकते हैं। अब किस तरीके से ये काम करता है तो दोस्तों हम आपको बता दें, पीएम सुकन्या स्कीम 2020 जो है इसके तहत प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में हम आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं। तो दोस्तों हम आपको बता दें, जो लोग इस योजना के लिए वंचित हैं, जिन्होंने अभी तक इसके लिए अप्लाई नहीं किया है, तो हम आपको बता दें इस स्कीम के तहत बेटियों का जो अकाउंट है खोला जाता है, इसके अंतर्गत आप 250 रुपये से लेके आप 1.5 लाख रुपए तक का अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। जितनी आपकी गुंजाइश हो, जितनी आपकी फरमाइश हो, उसी आधार पे आप अपने अकाउंट का चयन करें। अगर आप गरीब हैं तो आप 250 रुपये, अगर आप मीडियम कैटेगरी के हैं तो आप 2000, 5000, 10000, जितने भी आपकी इच्छा हो उतना अमाउंट के आधार पे आप सालाना जितने जमा करा सकते हैं उस आधार पर आप यहाँ पर अपना अकाउंट ओपन करवाएँ। एक बार ही आप ओपन करवा सकते हैं, बार बार ये नहीं कि आप इस बार 250 रुपये जमा करा रहे हैं, नेक्स्ट मंथ में या नेक्स्ट वर्ष आप जो है 5000 जमा करा रहे हैं। आपको फर्स्ट में ही सेलेक्ट करना होता है कि आपको कौन सा अकाउंट चाहिए, कितने प्रीमियम का अकाउंट आपको चाहिए। सुकन्या समृद्धि योजना में एक परिवार में 2 बेटियों का ही अकाउंट खोला जा सकता है। अगर किसी कंडीशन में अगर जुड़वा बेटियाँ हैं तो उस कंडीशन में 3 बेटियों का अकाउंट ओपन हो सकता है, अन्यथा गवर्नमेंट द्वारा सिर्फ 2 ही बेटियां अलाउ हैं। अगर 2 से अधिक है तो आप इसके बारे में 2 बेटियों से अधिक अकाउंट नहीं खुलवा सकते। सुकन्या समृद्धि योजना के लाभ का अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो दोस्तों आपको सही लाभ का पता चल जाएगा। आपको बता दें, सुकन्या समृद्धि योजना में आपका जो पैसा है 20 गुना तक बढ़ जाता है, क्योंकि सुकन्या समृद्धि योजना में 10% ब्याज मिलता है, यानी आम ब्याज की बात करें तो 2% मिलता है, बल्कि इसमें 10% मिलता है। आम ब्याज से 5 गुना ज़्यादा ब्याज जो है सुकन्या समृद्धि योजना में मिलता है, जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी अच्छी ये योजना है। माननीय श्री प्रधानमंत्री द्वारा ये योजना की शुरुआत की गई है। तो दोस्तों ये थी सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में बड़ी अपडेट, जिसके बारे में हमने आपको इस वीडियो में अवगत कराया। तो दोस्तों अगर आपके सामने कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो, कोई भी आपका क्वेश्चन हो जो आप हमसे पूछना चाह रहे हो, कोई भी डाउट हो, तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जाइए और कमेंट बॉक्स में अपनी जो राय है वो
कमेंट कीजिए, ताकि मैं जैसे ही आपकी कमेंट आएगी मैं उसके ऊपर रिप्लाई करके आपको उसका आंसर दूंगा। और दोस्तों अगर आप चैनल पे नए हैं, ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हैं, इंटरेस्टिंग वीडियो सबसे पहले, तो आप पहले देखो पहले सीखो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए पास में बेल के आइकन को दबा के और नोटिफिकेशन को ऑन करें। और जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर तो जरूर करें। आशा करता हूँ कि आपको जानकारी पसंद आई होगी। तो दोस्तों मिलेंगे इसी प्रकार से एक और नए लेटेस्ट वीडियो अपडेट के साथ। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।